शालिनी सिंह, जिस तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2019 के अगर हम बात करें, अगर हम बात करें पीएम मोदी की और बीजेपी की बात करें, तो उसे हराने के लिए हर पार्टी एक साथ आने के लिए तैयार है। वही मांधेरी वेस्ट में अगर हम विधायक की बात करते हैं अमित शाटम जी की, तो किस तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं और कितना जो उन्होंने 5 साल में जो उनकी सोच थी, जो जनता से उनका वादे थे, वो अपने वादे पर कितने खड़े उतर पाए हैं और क्या उन्हें और वक्त चाहिए जनता की सेवा के लिए, ये हम उनसे जानेंगे। आपका स्वागत है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे, ये 5 साल का जो समय रहा आपके लिए कितना अच्छा रहा और जो जनता से आपने वादे किए, जो जनता की आपने सोच रखी, जिस सोच से जनता ने आपको जिताया, वो कार्य पूरे हो चुके या फिर और समय? करीबन सारे के सारे जो वादे मैंने अपनी जनता से, अंधेरी पश्चिम की जनता से किए थे, तो करीबन सारे के सारे वादे पूरे हो चुके हैं। पिछले 4.5 सालों में मैंने 30 से ज़्यादा गार्डन्स डेवलप किए अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। 70 से ज़्यादा टॉयलेट्स, 5-स्टार टॉयलेट्स मैंने पूरे अंधेरी वेस्ट के स्लम एरियाज में बनाए हैं। अंधेरी स्टेशन के बाहर मैंने महिलाओं के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विशेष महिलाओं का शौचालय भी बनवाया है। उसी के साथ में जुहू बीच का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। गिलबर्ट हिल जो है, जो पूरे दुनिया में दो ही ऐसे पत्थर है उसमें से एक गिलबर्ट हिल है, वो गिलबर्ट हिल पिछले 30-40-50 सालों से ज़्यादा समय से ज़्यादा वो दुर्लक्षित था, उसके संवर्धन का काम हमने पूरा किया। उसका पहला फेज कम्प्लीट किया, सेकेंड फेज का टेंडर निकल रहा है और बहुत सारे लोग उस गिलबर्ट हिल के ऊपर एक गाँवदेवी माता का मंदिर है, उस गाँवदेवी माता के मंदिर में हमारे सीनियर सिटीजन और बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते क्योंकि वहाँ पर चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ पर ऊपर जाने के लिए नए लिफ्ट का भी टेंडर अभी हम निकालने वाले हैं PWD के मार्फत से, तो वो भी हमारा काम, गिलबर्ट हिल के संवर्धन का काम भी पूरा हो चुका है। और हमने हॉकिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके हॉकिंग जोन्स को बनाने की जो एक कोशिश है, जो महानगर पालिका के स्तर पर शुरू है, वो कोशिश को भी हमने पूरा करके अच्छे जगहों पर आइडेंटिफाई करके जहाँ पर हमारे हॉकर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए, उन्हें ऐसी जगह पर बिठाया जाए जिससे रास्ते और फुटपाथ के ऊपर चलने वाले लोगों को कठिनाई ना हो और उसी के साथ उन फेरी वालों को भी उनका रोजगार मिले, ऐसा दोनों के बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश हमने पिछले 4-4.5 सालों में की है। और करीबन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी वादे हमने अपनी जनता से किए थे, अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी धड़क मुहिम हमने हाथ में लिए, जरूरत पड़ने पर हम खुद पुलिस के साथ में जमीन के ऊपर, रास्ते के ऊपर उतरे हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स, इलीगल एलिमेंट्स को पकड़ के देने में पुलिस की हमने मदद की है। महानगर पालिका की तरफ से अनधिकृत बांधकामों के ऊपर हमने हथौड़ा चलवाया है और पिछले 4.5 साल में सही मायने में सबका साथ सबका विकास, सच्ची सोच, युवा जोश, जो हमारे उस समय के जो नारे थे, उन नारों को लेकर करीबन सारे के सारे वादे पूरे हमने पिछले 4.5 सालों में किए हैं और आने वाले समय के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे आपने कहा विकास की बात, लेकिन जो आपके विपक्ष पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और कुछ जनता भी ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि विकास तो यहाँ नजर नहीं आया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें विकास नहीं दिखाई दिया? नहीं, विकास तो अंधेरी पश्चिम की जनता को रास्ते के ऊपर आप जब भी उतरते हो, अपने घर के बाहर निकलते हो, तो आपको विकास नजर आता ही है। आप बाहर निकलो, रास्ते अच्छे हैं, गार्डन अच्छे बने हैं, स्लम में टॉयलेट अच्छे बने हैं, जुहू और वर्सोवा बीच का जो अपना समुद्र तट है, बीच है, वो इससे पहले कभी नहीं था, इतना सुंदर और स्वच्छ अभी वो बीच दिख रहा है। और इस प्रकार से जहां पर भी अनधिकृत बांधकाम थे वो टूट गए हैं, अनधिकृत जगहों के ऊपर कब्जे थे वो दूर हो गए। तो मैं तो ये समझता हूं कि आप अपने घर के बाहर निकलते हो, रास्ते पर आते हो, तो विकास आपको नजर आता ही है। और इस विकास का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता ने ये दिया है कि 2014 में मैं चुन के आया, मेरे कार्यकाल के 2.5 साल के बाद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव ये हुए थे और कोई भी लोकतंत्र में जनता के दिए हुए वोट ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया हुआ सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। और उस महानगर पालिका के चुनाव में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 7 कॉर्पोरेटर के वार्ड में से 5 कॉर्पोरेटर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुन के दिए और मैं समझता हूँ कि जनता ने दिए हुए कामों का यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी हमारी जो लीड है वो बढ़ाकर जनता और सर्टिफिकेट आगे देने वाली है।
जिस तरह से आपने आपके कार्य को बताया कि आपने पूरे कार्य किए हुए हैं, लेकिन जब व्यापारियों के पास जाते हैं तो व्यापारियों का यही कहना है कि हमारे यहाँ तो स्वच्छता के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जब हम स्टार्टअप जी से बात करते हैं, अमित जी से बात करते हैं, वो चुनाव के टाइम पे आने के बाद फिर हमारे बीच कभी आए ही नहीं, ऐसा भी लोग। ऐसे आपको कौन से व्यापारी ने बताया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ। ऐसा 90% 10% ही क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मेरा काम पहुंचा नहीं है अभी तक, यानी 90% एरियाज में मैंने कोई ना कोई माध्यम से कुछ न कुछ काम वहां पर करके दिए है। मैं रोज हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 5 से 6 घंटे रोज अपने ऑफिस में बैठता हूँ। आपने भी सुबह फोन किया, आपने फोन करने के 3 घंटे के अंदर ही आप लोग मुझे यहाँ पर मिल रहे हो, और इसीलिए रोज कम से कम 5 घंटे हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन में रोज लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, यही मेरा पूरा फुल टाइम यही काम है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक फुल टाइम सोशल वर्कर हूँ। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कंसल्टिंग का मेरा काम था, और इसीलिए फुल टाइम मैं लोक सेवा करने का ही काम करता हूँ। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन मैं जनता के लिए अवेलेबल हूँ। तो जो 10% लोग रह गए हैं वो कैसे रह गए और उनको किस तरह से अमित जी आप कैसे फिर पहुंचेंगे उनके तक? मेरा बोलने का मतलब ये था कि 10% लोग बच गए, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि जहां पर भी मेरे फंड से या कोई दूसरे फंड से काम होता है तो ऐसे 90% से ज्यादा एरियाज में मेरे फंड से कोई ना कोई काम वहां पर हो चुका है, या गार्डन बना होगा, या लादी का काम हुआ होगा, या कम्युनिटी सेंटर बना होगा, या पानी की लाइनें दी होगी, ऐसा कोई ना कोई काम मेरे फंड से वहां पर हो चुका है। मैंने ये कहा कि शायद ही ऐसे कोई क्षेत्र होंगे, शायद 5-10% ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कोई काम मेरे तरफ से ना हुआ हो। आने वाले समय में मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ, जहां कर भी क्षेत्र में कोई भी काम की अगर जरूरत है तो वो तुरंत करके देने के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं अमित स्टार्टअप? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से इस देश को आगे लेकर जाने का काम किया है, इस देश को बदलने का काम किया है, इस देश की सोच को बदलने का काम किया है, उससे जनता बेहद खुश है। और मैं तो ये एक्सपीरियंस करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि बहुत से लोग हमारे ऑफिस में कार्यालय में आकर हमें ये कहते हैं कि हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है वो हमें आप प्लीज बताएं। इस प्रकार का जोश, इस प्रकार की उमंग जनता में है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये चुनाव कोई मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये भारत देश के भविष्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि जब भी कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले ढांचा बनता है, ढांचा बनने के बाद फिर उसके बाद में कलर होता है, उसके बाद घर के अंदर के फिनिशिंग का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ढांचा बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसका फिनिशिंग, पॉलिशिंग और अंदर का कलर मारने का काम अभी बाकी है। और ढांचा अच्छा बनने के बाद कोई भी बिल्डिंग 100% तभी कंप्लीट होती है जब वो रहने के लायक होती है, और इसीलिए रहने के लायक जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए उसी प्रकार से इस देश को आगे लेके जाने का काम अभी आधा ही हुआ है और आधा काम अभी होना बाकी है। और उस काम को मकाम देने की ताकत और मकाम देने की जो नियत है और जो सोच है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में ही है। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी पिछले 15 साल में, यानी 1999 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है जो सरकार ने उस समय के सरकार ने घोषित किए, उस समय की सरकार में उसका कॉन्सेप्ट नोट निकला, लेकिन वो उसकी परमिशन नहीं ला सके, उसकी एनओसी नहीं ला सके, उसका टेंडर नहीं निकाल सके, उस काम को पूरा नहीं कर सके। मेट्रो का काम हो, वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक का काम हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम हो, या गेटवे ऑफ इंडिया 2 अलीबाग की रोरो की सेवा का काम हो, या और कोई भी काम हो, मुंबई शहर में हमला होने के बाद 2008 में 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ऐसा उस प्रकार की सरकार ने घोषित किया था, वो सीसीटीवी कैमरा तो दूर, सीसीटीवी कैमरा का टेंडर भी नहीं निकला। हमारी सरकार ने सरकार आने के बाद में टेंडर भी निकाला, एस्टीमेट भी बनाया, वर्क ऑर्डर भी दिया, काम कंप्लीट किया, और अभी दूसरे 5000 सीसीटीवी कैमरा लगाने का टेंडर भी हमारी सरकार ने निकाला है। वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक का काम शुरू हो गया है, कोस्टल रोड का काम शुरू हो गया है,
बैंड्रा टू वर्सोवा सीलिंग का काम शुरू हो गया है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है, मेट्रो का काम तो आपको रास्ते पर दिख ही रहा है। 2020 के जनवरी या मार्च में मेट्रो पहली मुंबई शहर में दौड़ने लगने वाली है। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या गांव खेड़े में हो मिनिमम जो एक क्रॉप को सपोर्ट देने का, शेतकरी को मतलब जो फार्मर के लोन वेवर की बात पिछले सरकार ने की उन्होंने किया नहीं। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना लाई, करीबन 50 लाख से ज्यादा मुझे लगता है 89 लाख फार्मर उसको उसका बेनिफिट भी मिल चुका है। और इस प्रकार के अनेक काम, जलयुक्त शिवार की जो योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे महाराष्ट्र में जो इम्प्लीमेंट की, मुझे ऐसा लगता है कि ना भूतों ने भविष्य इस प्रकार का काम देश में और महाराष्ट्र में हुआ है। और उस काम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम हमने भी अंधेरी पश्चिम में किया है। और इसीलिए ये देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में है, और अंधेरी पश्चिम की भी जनता भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। समय कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, क्या लग रहा है कांग्रेस को, कितना जनता को लाभ, कितना कांग्रेस को लाभ होगा इसका? ऐसा है कि इस देश का जो नागरिक है उस हर एक देश के नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, समाज सेवा करने का अधिकार है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने उस राजनीति में आने की सोच कर रखी है तो उन्हें हम शुभेच्छा देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अमित सातम जी अपने कार्य को किस प्रकार से गिनाए कि उनकी गिनती नहीं खत्म हुई, और उन्होंने इस तरह से कार्य यहाँ अंधेरी पश्चिम में किया भी, अगर हम देखा जाए तो आगे किस तरह से क्या होगी, जनता की सोच, जनता किस तरह से किसे चुनेगी और किस कार्य को देखेगी, हम आगे दिखाएंगे। आप यूं ही मेरे साथ बने रहिए सक्षम न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।